हेलो एवरीवन, टुडे वी गोना डिस्कस लेसन 6 पेज नंबर 42। द फूड वी ईट, फूड मींस खाना, खाना जो हम खाते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट फूड ग्रेन्स मींस अनाज, अनाज लाइक राइस, दाल एंड चपाती, ये सब क्या हो गया, अनाज हो गया। फ्रूट्स मीन्स फल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीड्स होते हैं जो कि प्लांट में ग्रो होता है, प्लांट में ग्रो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीड। तो उस सीड से क्या निकलते हैं, ऑयल निकलते हैं, ऑयल बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सीड्स जो हैं उससे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। जैसे कि मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड प्लांट होता है, आपने सुना होगा आपके घर में मस्टर्ड ऑयल से वेजिटेबल बनता है, बनता है ना, मस्टर्ड ऑयल से, सरसों तेल से। तो वो जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो किससे निकलता है, मस्टर्ड सीड से निकलता है। तो इसी तरह सीड से जो है वो ऑयल निकाला जाता है। ओके, स्पाइसेस मींस मसाला, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मींस जो कि वेजिटेबल, जो कि वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, मींस फिश वगैरह, फिश, चिकन, एग, ये सब नहीं खाते हैं, वो क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, जो कि राइस, दाल, वेजिटेबल, फिर फ्रूट्स, चपाती, ये सब खाते हैं, जो कि वेज खाते हैं उनसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन। और जो एग खाता है, फिश भी खाता है, एग, फिश, चिकन, ये सब जो खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है। द टाइप ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के लैंड होते हैं, जमीन, अलग अलग टाइप के लैंड होते हैं और अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे कि कहीं पर एकदम ठंडा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, कहीं पर हमेशा वहाँ गर्म होता है, हॉट क्लाइमेट रहता है, कहीं पर हमेशा उस जगह में ठंडा रहता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, शिमला, मनाली, उस जगह में हमेशा ठंडा रहता है। तो क्लाइमेट की वजह से और लैंड कैसा है, वहाँ का ज़मीन कैसा है, लैंड कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो ये अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के लैंड होते हैं और अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं। दैट इज़ वाई द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स विच ग्रो इन आवर कंट्री ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसीलिए हमारे कंट्री में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं। जैसे कि कहीं पर एप्पल ज़्यादा होता है तो कहीं पर बनाना ज़्यादा होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, कहीं पर किसी हमारे कंट्री में किसी जगह पे कोई चीज़, कोई वेजिटेबल ज़्यादा होती है और कोई दूसरे टाइप की का जो वेजिटेबल, अलग वेजिटेबल, वो यहाँ ज़्यादा होती है। तो इसी तरह वो अलग अलग लैंड और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर ज़मीन वहाँ की कैसी है उस पे डिपेंड करता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, ठंडा वेदर है या हॉट क्लाइमेट है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा वहाँ पर कैसा सीरियल्स, कैसा अनाज उगता है, कौन सा फ्रूट्स वहाँ ज़्यादा उगता है, ज़्यादा ग्रो होता है। ओके, पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मीन्स लोग जो अलग अलग एरिया में रहते हैं, मीन्स हमारा देश है इंडिया,
ओके। तो इंडिया में अलग अलग प्लेस है, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग प्लेस है, तो हर अलग अलग प्लेस में अलग अलग टाइप्स के फूड, अलग अलग टाइप्स के फूड लोग खाते हैं, ओके। जैसे कि साउथ इंडिया में, लोग जैसे कि इडली डोसा ये सब ज़्यादा खाते हैं साउथ इंडिया में। एंड नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जैसे कि चपाती दाल ये सब ज़्यादा खाते हैं, ओके। तो अलग अलग टाइप की जगह जो होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप का फूड ग्रो होता है। कहीं पर वैसा फूड ज़्यादा ग्रो होता है तो वहाँ के लोग वैसा ही खाना खाते हैं, और किसी जगह में जो जैसा फल ज़्यादा उगता है तो वहाँ ज़्यादा वो चीज़ खाते हैं, जहाँ वो चीज़ ज़्यादा होती है उस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा होती है वही लोग खाते हैं जो भी जहाँ रहते हैं। तो इस तरह करके अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से फूड ग्रो होता है। तो जैसा फूड ग्रो हो रहा है वैसा ही हम खाते हैं। हमारे यहाँ पर जैसा फूड ग्रो होगा हम वैसा ही फूड खाएंगे, वैसा ही फ्रूट्स खाएंगे, ओके। वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स आर द मेन सीरियल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कुछ अनाज जो हैं वो कि जो इंडिया में सबसे मेन माना जाता है, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है, इंडिया में उगता है, जैसे कि वीट मींस गेहूं, ये वीट का पेड़ है, इससे गेहूं निकलता है। राइस मींस चावल। मेज मींस दिस कॉर्न, मक्की। आप लोग सुने होंगे भुट्टा मकई, तो उसको बोलते हैं मेज। इंग्लिश में इसको कॉर्न भी बोलते हैं, मेज भी बोलते हैं एंड कॉर्न भी बोलते हैं। एंड मिलेट्स जो होता है वो भी एक तरह का वीट ही होता है, बट मिलेट्स वीट से ज़्यादा अच्छा होता है। मिलेट्स में ज़्यादा फाइबर होते हैं, ज़्यादा फाइबर मींस जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है ना, वो मतलब जिस भी चीज़ में ज़्यादा फाइबर होता है वो चीज़ हमें ज़्यादा खानी चाहिए, वही चीज़ हमें खानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। फाइबर अगर खाने में रहेगा तो हमारे खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करेगा, तो हमारा स्टोमक भी ख़राब नहीं होगा और हमें अच्छे से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मिलेट्स में ज़्यादा फाइबर होते हैं वीट के कंपैरिजन में मिलेट्स में ज़्यादा फाइबर होते हैं। सो वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स आर द मेन सीरियल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ओके। सी हियर, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स। पीपल इन नॉर्थ इंडिया ईट मेनली वीट। नॉर्थ इंडिया में मेनली पीपल क्या खाते हैं सबसे ज़्यादा? नॉर्थ इंडिया में वीट मींस गेहूं खाते हैं। हम खाते हैं ना वीट, चपाती खाते हैं ना गेहूं से फिर आटा बनता है, पिसवा लेते हैं तो उसको आटा बन जाता है। देन फिर उसका डो बना के आटा सान के क्या बन जाता है? रोटी बन जाता है, मींस चपाती बन जाता है। तो चपाती, प्योरीज एंड पराठाज, जो पराठे आप बनाते हो, आर मेड फ्रॉम वीट। ये सब किससे बनता है? वीट से बनता है। पीपल हेयर जनरली ईट चपातीज विथ दाल, वेजिटेबल्स एंड कर्ड। यहाँ पर लोग चपाती जो है वो किसके साथ खाते हैं? दाल के साथ या सब्जी के साथ या कर्ड के साथ। दाल, सब्जी, कर्ड मीन्स दही, ये सब लेते हैं चपाती के साथ। मोस्ट पीपल इन साउथ इंडिया ईट राइस। साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं, मीन्स चावल। राइस इज आइदर बॉइल्ड और फ्राइड। राइस क्या करा जाता है? राइस को
या तो बॉयल किया जाता है, मींस उबाला जाता है, बॉयल मींस उबालना। जैसे कि आप जब आलू को, आपने आलू को कभी बॉयल किया होगा ना, तो उस बॉयल मींस उबालना, तो वैसे ही किसी किसी चीज़ को बॉयल किया जाता है। तो वैसे ही राइस को हम क्या, राइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, राइस को बॉयल करके खाते हैं, बॉयल्ड और फ्राइड। इन साउथ इंडिया पीपल मेक अ नंबर ऑफ डिशेस। साउथ इंडिया में लोग जो है बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, नंबर ऑफ डिशेस लाइक इडली एंड डोसा फ्रॉम राइस। साउथ इंडिया में लोग राइस से क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, जैसे कि इडली भी बनाते हैं राइस से, राइस को मिक्सर में पीस के फिर उस राइस के आटे से क्या बनाते हैं, इडली डोसा ये सब बनाते हैं। सम पीपल ईट ओनली सीरियल्स, कुछ लोग सिर्फ सीरियल्स मीन्स अनाज खाते हैं, पल्सेस मीन्स दाल खाते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। कुछ लोग सिर्फ अनाज, दाल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मीन्स चपाती, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब जो लोग खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम कि वो क्या है, वेजिटेरियंस है, वो क्या है, वेजिटेरियंस हैं। एंड सम पीपल ऑल्सो ईट मीट फिश एंड एग्स, कुछ लोग जो हैं वो मीट भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं और एग भी खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। मैनी पीपल हु लिव नियर द सी ईट फिश, कुछ लोग जो कि सी के पास रहते हैं मीन्स रिवर या नदी जो होती है उसके पास रहते हैं कुछ लोग, वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, फिश खाते हैं, क्योंकि सी में क्या 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 निकलता है, नदी में क्या रहता है, सी में फिश रहता है, समुद्र में क्या क्या रहता है, फिश रहता है ना। तो इसीलिए जिस जगह पे जो लोग रहते हैं तो वो वैसा ही खाना सीख जाते हैं, वहाँ जैसा चीज़ होता है वो खाना सीख जाते हैं। तो सी के पास जो लोग रहते हैं तो वहाँ पर फिश ज़्यादा रहता है सी में, तो फिश मिलता है उन्हें ज़्यादा खाने के लिए, इसीलिए वो लोग फिश ही खाते हैं। ओके, सो रीड अप टू हियर वंस अगेन, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से रीड करिए। ओके, अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, थैंक यू एवरीबडी।